हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐप क्लस्टर में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एमएक्स प्लेयर में किसी भी मूवी की लैंग्वेज को कैसे आप यहाँ पे हिंदी में चेंज कर सकते हैं, या आप अपने मन पसंदीदा लैंग्वेज में कैसे किसी भी वीडियो या फिर मूवी को कैसे चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे MX Player मैंने यहाँ एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ प्रोफाइल का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे माई प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटेंट लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आपको यहाँ कंटेंट लैंग्वेज का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे कोई भी मूवी या फिर वेब सीरीज आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा हिंदी इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिखा है, आप यहाँ तमिल, तेलुगु, पंजाबी, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी शोज़ वगैरह आपको यहाँ पे एमएक्स प्लेयर पे दिखेंगे वो सारे आपके चुने हुए कंटेंट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये आपको यहाँ सबसे पहले कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे मूवी के किसी भी मूवी के लैंग्वेज को कैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे पहले मूवी यहाँ पे एक शो यहाँ पे ओपन करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एम एक्स प्लेयर पे यहाँ पे मूवी यहाँ पे चला दिया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने एकेडमी का शो एपिसोड ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ पे अपनी मूवी यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से आप एम एक्स प्लेयर पे ओपन कर लेनी है। अब आपको यहाँ लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ चेंज कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे ऊपर सब टाइटल्स का, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप सब टाइटल्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं अपनी जो भी मूवी आप देख रहे हैं उसके सब टाइटल्स ऐड करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके सब टाइटल्स आपके यहाँ पे मूवी के साथ नहीं है तो आप यहाँ पे उसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन और सब टाइटल्स का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पे सब टाइटल ऑनलाइन सब टाइटल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उस सब टाइटल्स को ऑनलाइन एंड देन आपको यहाँ पे इंटीग्रेट उसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसमें सब टाइटल्स पहले से ही होगा आपकी जो मूवी है तो उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूवी की लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है। तो मूवी की लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे उसी के साइड में यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस वाली जो वीडियो है इसके लिए मेरे पास यहाँ पे दो लैंग्वेज पहले से ही ऐड हो रखे हैं। पहले तो यहाँ पे हिंदी में, यानी कि मैं ये जो यहाँ पे वीडियो चल रही है उसे मैं हिंदी में देख सकता हूँ या फिर मैं इसे तमिल में देख सकता हूँ। ऐसे ही जो भी आप मूवी यहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसके साथ लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्टेड रहती है। ठीक है, तो अगर आपकी वो मूवी जो है इंग्लिश में चल रही है और उसे हिंदी में करना है तो आपने हिंदी में डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे आप सिंपली आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है सिंपली, तो आपकी जो मूवी है वो हिंदी में यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो मूवी आपने डाउनलोड किया है या फिर कहीं से भी आपने यहाँ लिया है उस मूवी में ही लैंग्वेज यहाँ पहले से ही रहती है। अगर आपको वहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं है उस मूवी में तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो लैंग्वेज की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं उसी को आप यहाँ पे लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में कर लेता हूँ, हिंदी में करने के बाद ये हिंदी में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी भी अपनी मूवी वगैरह को आप उसकी लैंग्वेज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में कंटेंट देखना है तो वो आप यहाँ पे एमएक्स प्लेयर पर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।